वेलकम स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम कर रहे हैं टैगोर्स व्यूज ऑन एजुकेशन। साथ ही में देखेंगे रिफ्लेक्शन ऑफ यूनिवर्सलिज्म एंड सेक्युलरिज्म एट शांति निकेतन एंड विश्व भारती एंड प्रेजेंट डे रेलेवेंस ऑफ टैगोर्स थॉट्स ऑन एजुकेशन। प्रेजेंट डे रेलेवेंस ऑफ टैगोर्स थॉट्स ऑन एजुकेशन। आज की दुनिया में टैगोर की जो तालीम को लेकर ख्यालात हैं, उनकी क्या अहमियत है? In his work, A Poet's School, Tagore wrote, टैगोर की एक किताब है जिसका नाम है A Poet's School, उसमें उन्होंने ये कहा है, The minds of children of today are almost deliberately made incapable of understanding other people with different languages and customs. This causes us, when our growing souls demanded to grow up after each other in darkness, to hurt each other in ignorance, to suffer from the worst form of the blindness of this age. Though these words were written about a century ago, they are very relevant even today. टैगोर ने जो ये अ पोएट स्कूल जो ये किताब है ये लिखी थी 1928 में, और उस जमाने में उन्होंने कहा था कि द माइंड्स ऑफ चिल्ड्रन ऑफ टुडे आर ऑलमोस्ट डेलिबरेटली मेड इनकेपेबल ऑफ अंडरस्टैंडिंग अदर पीपल विद डिफरेंट लैंग्वेजेस एंड कस्टम्स, कि तालीम ऐसी दी जा रही है बच्चों को, उस जमाने में ये कह रहे थे कि ऐसी तालीम दी जा रही है बच्चों को, जानबूझकर ऐसी तालीम दी जा रही है कि बच्चे जो हैं दूसरों की जबान ना समझें, दूसरों के कस्टम्स को ना समझें कि वो लोग कैसे रहते हैं, उनका रहन सहन कैसा है, और ये जानबूझकर किया जा रहा है ताकि जो बच्चे हैं वो उन्हें तंग नज़र बनाया जाए। दिस कॉजेज अस व्हेन आवर ग्रोइंग सोल्स डिमांडेड टू ग्रो अप आफ्टर ईच अदर इन डार्कनेस। तो इससे ऐसे तंग नज़र होने से क्या होता है कि हम जो हैं हम एक दूसरे को पहचान नहीं पाते हैं। हम जब दूसरों को समझने की कोशिश भी करना चाहें तो हमें ये बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि हमने उनके बारे में कुछ सीखा ही नहीं है, कुछ जानने की कोशिश ही नहीं करी है। हम अंधेरे में रहते हैं और बस हम ग्रो करने का मतलब होता है टटोलना, तो हम टटोल रहे हैं। ये टटोलने वाली चीज़ें नहीं हैं, ये जानने वाली चीज़ें हैं, समझने वाली चीज़ें हैं। हम एक दूसरे को हर्ट करते हैं, नुकसान पहुँचाने की कोशिश करते हैं इन इग्नोरेंस। इग्नोरेंस का मतलब होता है जहालत, जब हम कोई चीज़ नहीं जानते हैं, क्योंकि हमें इस तरीके से तालीम दी जा रही है। वो तालीम ही क्या जो आपको एक्चुअली जाहिल बना रही है। टू सफ़र फ्रॉम द वर्स्ट फॉर्म ऑफ द ब्लाइंडनेस ऑफ दिस एज। तो यहाँ पर जब वो ब्लाइंडनेस कहते हैं तो वो ये कह रहे हैं कि किस तरीके का अंधापन है, कि किस तरीके की तालीम दी जा रही है, कि हम अंधे हो रहे हैं, कि हम एक दूसरे को समझ नहीं सकते, एक दूसरे के एहसास को समझ नहीं सकते। तो ये तालीम जो है उनके हिसाब से ये बहुत ही गलत तरीका है तालीम देने का। दो दीज वर्ड्स वर रिटन अबाउट अ सेंचुरी अगो, दे आर वेरी रेलेवेंट इवन टुडे। और ये जो बातें हैं ऑलमोस्ट 100 साल पहले लिखी गई थी, और लेकिन आज भी ये बातें इतनी ही अहमियत रखती हैं। In this contemporary world, wrecked by war and disturbed by discontent, Tagore's educational philosophy provides a guiding light. आज के इस contemporary यानी modern ज़माने में भी, आज भी जो ये दुनिया है ये बर्बाद हो रही है जंग से, बस एक दूसरे से लोग खुश नहीं हैं, discontent होना यानी खुश नहीं होना, सब कुछ, सब लोग डिस्टर्ब्ड हैं, तकलीफ़ में हैं, परेशानी में हैं, और ऐसे में जो टैगोर की जो एजुकेशनल फिलॉसफी है, जो उनका तालीमी फ़लसफ़ा था, वो एक गाइडिंग लाइट बन सकता है, एक ऐसी रोशनी बन सकती है जो रहनुमाई करे तो शायद कुछ होप हो, कुछ उम्मीद हो कि जो बच्चे हैं कल के, अगर वो उस फिलॉसफी से तालीम पाते हैं तो शायद उनकी ज़िंदगी सुधर जाए।
A curriculum firmly embedded in secularism and universalism alone can remedy our problems. तो अगर ऐसी पढ़ाई की जाए, ऐसा करिकुलम हो जिसमें सेक्युलरिज्म और यूनिवर्सलिज्म ये झलकते हों, तो जो हमारे प्रॉब्लम्स हैं इनका हल निकल सकता है. पीस एजुकेशन मस्ट बी एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ द एजुकेशनल सिस्टम, कि अमन और शांति की जो पढ़ाई है, कि हम वॉर ना करें, हम लड़ाइयाँ ना करें, इस तरीके की अगर हम पढ़ाई में तवज्जो देंगे इन चीज़ों के बारे में, तो ये हमारे मुस्तकबिल को बेटर बना सकता है. तो ये सारी जो चीज़ें हैं ये इंटीग्रल पार्ट होनी चाहिए एजुकेशनल सिस्टम की, यानी एक इम्पॉर्टेंट पार्ट होनी चाहिए, हिस्सा होने चाहिए एजुकेशनल सिस्टम के. इट इज़ नेसेसरी दैट स्कूल्स इंटरैक्ट विद ईच अदर एंड लर्न अबाउट ईच अदर्स कल्चर. स्कूल्स में भी बच्चों को एक दूसरे के साथ में इंटरेक्शन होना चाहिए, क्योंकि बच्चे जो है वो एक ही चीज़ में लिमिट हो जाते हैं. लेकिन अगर वो अलग अलग स्कूल से इंटरेक्ट करेंगे तो वहाँ क्या हो रहा है, वहाँ पर कैसी एक्टिविटी हो रही है वो सीखेंगे, बच्चों से मिलेंगे जुलेंगे, तो उनकी जो नॉलेज में इजाफा हो सकता है. विथ द प्रेजेंस ऑफ द इंटरनेट दिस इज ईजिली पॉसिबल. और आजकल इंटरनेट है तो हमें फिजिकली भी कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है. आप इंटरनेट पे लोगों से बातें कर सकते हैं, ना सिर्फ आपके सिटी में लेकिन दुनिया भर में. मैनी स्कूल्स हैव एक्सचेंजेस ओवर द इंटरनेट एंड स्टूडेंट्स लर्न अबाउट देयर पीयर्स इन अदर पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड. तो आजकल जो है बहुत सारी स्कूल्स हैं जहाँ पर इंटरनेट के ज़रिए दूसरे स्कूल से दूसरे स्टूडेंट्स के साथ जो बच्चे हैं वो इंटरेक्ट करते हैं. स्टूडेंट एंड फैकल्टी एक्सचेंज प्रोग्राम्स आर कॉमन. स्टूडेंट एंड फैकल्टी एक्सचेंज प्रोग्राम, एक्सचेंज प्रोग्राम एक ऐसा प्रोग्राम होता है जहाँ पर एक कंट्री से दूसरे कंट्री में बच्चे जाते हैं, दूसरे कंट्रीज में जाकर उनके घर में रहते हैं, उनके कल्चर को सीखते हैं, उनकी ज़बान को सीखते हैं. व्हेन स्टूडेंट्स कम्युनिकेट with one another, the doors to dialogue are opened. तो जब जो students हैं, जो बच्चे हैं, एक दूसरे के साथ communicate करते हैं, बातचीत करते हैं, तो dialogue का जो है दरवाज़ा खुल जाता है. dialogue क्या होता है ये हमने पिछले videos में देखा है, importance of dialogue in education. dialogue वो चीज़ होती है जब हम इस तरीके से बातचीत करते हैं जहाँ पर एक दूसरे का जो पॉइंट ऑफ व्यू होता है, जो नज़रिया होता है, उसका ख्याल रखा जाता है. टैगोर्स विजन ऑफ कल्चर वॉज डायनामिक. टैगोर का जो नज़रिया था कल्चर के बारे में, सकाफत के बारे में, वो ये था कि वो उसे डायनामिक समझते थे. डायनामिक का मतलब होता है जो चीज़ें बदलती रहती हैं, यानी वो एक ही कल्चर में अपने आप को बांध कर नहीं रखना चाहते थे, वो दूसरे कल्चर्स के बारे में भी जानना चाहते थे और सीखना चाहते थे. ही एडवोकेटेड कल्चरल फ्यूजन. फ्यूजन का मतलब होता है मिलन. तो वो कल्चरल फ्यूजन यानी अलग अलग कल्चर्स का मिलन या संगम, इसकी पैरवी करते थे. He envisioned a world where multiple voices would interact with each other and mutual interconnectedness would bring in peace and understanding. He envisioned, उन्होंने ऐसी दुनिया का तस्वीर किया था जहाँ पर अलग अलग लोग, यहाँ पर multiple voices से मतलब है अलग अलग किस्म के लोग और उनकी राय, एक दूसरे के साथ इंटरैक्ट करेंगे, मेल जोल करेंगे और म्यूचुअल इंटरकनेक्टेडनेस यानी सहमति से जो उनका कनेक्शन होगा, मेल जोल होगा, उससे क्या होगा कि अमन होगा और अंडरस्टैंडिंग होगी, एक दूसरे की जो समझ है वो बढ़ेगी. ही वॉन्टेड टू ब्रेक बैरियर्स एंड नर्चर मल्टी कल्चरलिज्म within the individual personality. तो वो चाहते थे कि जो हमारी
इंसान की जो अपनी खुद की पर्सनालिटी होती है, जो उसका कैरेक्टर होता है, वो किसी एक चीज से लिमिटेड ना रहे। बैरियर का मतलब होता है कोई रुकावट। तो वो चाहते थे कि इस तरीके के जो रुकावटें हैं वो हम तोड़ दें। और मल्टीकल्चरलिज्म और अलग-अलग कल्चर्स को अपनाएं, उन्हें अपनी जिंदगी में शामिल करें। दीज इंसाइट्स फ्रॉम टेगोर्स फिलोसफी आर इंस्पिरेशनल इवन टुडे। टेगोर के फलसफे की ये बसीरतें आज भी मुतासर किन हैं। देर इज अ नीड टू लर्न अबाउट अदर कल्चर्स एंड पिक द बेस्ट फ्रॉम ऑल कल्चर्स। तो हमें दूसरे कल्चर से भी सीखने की ज़रूरत है, और जो उन कल्चर्स का जो बेहतरीन उनकी चीज़ होती है वो चीज़ें हमें अपनानी चाहिए। इंडियन कल्चर हैज़ कॉन्ट्रीब्यूटेड टू द वर्ल्ड थ्रू इट्स एनरिच्ड फिलोसफी। इंडिया का जो कल्चर है दुनिया भर में मशहूर है, और इंडिया ने अपने कल्चर से काफ़ी कुछ जो दुनिया है उसे दिया है। मिसाल के तौर पे योगा, जो आज दुनिया में इतना फेमस है, वो इंडिया की देन है। तो इसी तरह और भी जो इंडिया की फिलॉसफीज़ हैं, जो फ़लसफ़े हैं, आज दुनिया भर में माने जाते हैं। इंडिया टू कैन लर्न फ्रॉम अदर कल्चर्स एंड ओवरकम सोशल बैरियर्स दैट एग्जिस्ट इन द कंट्री इवन टुडे। तो इंडिया भी दूसरे कल्चर से सीख सकता है, और जो हमारे समाज में रुकावटें हैं जो हमें आगे बढ़ने से रोकती हैं, वो सारी चीज़ों को हम बदल सकते हैं, जो आज भी हमारे कंट्री में, हमारे देश में हम देख सकते हैं। बाय कनेक्टिंग एजुकेशन विद नेचर, टैगोर्स व्यूज फाइंड अ रेमेडी फॉर आर प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन। नेचर और एजुकेशन, यानी तालीम और कुदरत को जोड़ने से टैगोर जो है वो जो एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन का प्रॉब्लम है, एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन यानी जो कुदरत की बर्बादी हो रही है धीरे धीरे, उसका इलाज ढूंढने की कोशिश इस तरीके के तालीम से हो सकती है, जहाँ तालीम में कुदरत की इतनी अहमियत है। रीसेंट रिसर्च शोज हाउ मैंस डिस्ट्रक्टिव एक्ट्स हैव इम्पैक्टेड क्लाइमेट चेंज एंड ब्रॉट अबाउट एनवायरमेंटल क्राइसिस। अगर हम हाल में हुई रिसर्च को देखें तो उसमें पता चलता है कि इंसानों ने किस तरह अपने मतलब के लिए जो कुदरत है उसकी बहुत सारे नुकसान किए हैं, जिसकी वजह से आज क्लाइमेट चेंज हो रहा है। जो जहाँ पर अगर हम देखें तो गर्मी बढ़ती जा रही है, बारिश बेवक्त आती है या कभी नहीं आती है, जब आनी चाहिए तब नहीं आती है, और बहुत से ऐसे मसाइल हैं जो हम देख रहे हैं। देर इज एन अर्जेंट नीड टू स्टॉल ऑल सच अटैक्स ऑन द एनवायरनमेंट। ये बहुत ही ज़रूरी है, अर्जेंट हो चुका है कि ये जो तरीके के हम अटैक कर रहे हैं अपने एनवायरनमेंट पे, इन्हें रोका जाए। स्टॉल करना यानी इन्हें रोकना। टैगोर्स एजुकेशनल फिलॉसफी इनक्रेजेस वननेस विद नेचर। टैगोर का जो तालीम का फलसफा है वो कुदरत के साथ एक होने को बढ़ावा देता है। दिस वननेस विद नेचर हैज़ टू बी री इन्फोर्स्ड इन द एजुकेशनल सिस्टम इन ऑर्डर टू इंश्योर इकोलॉजिकल बैलेंस। तो ये जो कुदरत के साथ एक हो जाना है, इसकी जो तालीम है ये हमारे जो एजुकेशनल सिस्टम में हमें री इन्फोर्स करनी है, यानी बहुत ही स्ट्रॉन्ग तरीके से इसे हमें हमारे एजुकेशनल सिस्टम में अपनाना है, टू इंश्योर इकोलॉजिकल बैलेंस, ताकि जो तवाजन है कुदरत का वो बरकरार रहे। क्रिएटिव सेल्फ एक्सप्रेशन।
was a unique feature in Shantiniketan and Vishwa Bharati. Shantiniketan और Vishwa Bharati में तख्लीकी खुद इजहारी एक अनोखी खसूसियात थी. Dance, craft, drama, music and literary creation was encouraged to give students a platform to express their thoughts and feelings. तो टैगोर का मानना था कि अगर बच्चों के ख्यालात और उनके एहसासात को जगह देनी है उन्हें इजहार करने के लिए तो वो किस फॉर्म में कर सकते थे, आर्ट एंड क्राफ्ट के जरिए, डांस म्यूजिक वगैरह के जरिए. एनालिसिस ऑफ द प्रेजेंट डे एजुकेशन सिस्टम रिवील्स दैट इट इज़ डोमिनेटेड बाय कॉग्निटिव परस्यूट्स. अगर हम आज का एजुकेशन सिस्टम देखें तो हम ये देख सकते हैं कि कॉग्निटिव परस्यूट्स उस पर हावी हैं. कॉग्निटिव परस्यूट्स यानी जो भी चीज़, जो भी सिस्टम ऐसा होता है जिसमें दिमाग से चीज़ों को याद करना, सीखना, मतलब जो जोर है वो चीज़ों को अपने दिमाग के अंदर डालने पर है, ना कि अपने दिमाग के अंदर जो बंद चीज़ें हैं उन्हें बाहर निकालने के. क्रिएटिव एक्सप्रेशन हैज़ टेकन अ बैक सीट एज स्टूडेंट्स कम्पीट फॉर मार्क्स एंड ग्रेड्स. और इसका इससे क्या हो रहा है कि बच्चों का जो क्रिएटिव एक्सप्रेशन है वो ख़त्म हो रहा है, कि वो खुद से कुछ आइडियाज़ नहीं सोच पाते हैं, क्योंकि उनका जो गोल होता है, उनका जो मकसद होता है, वो मार्क्स पाना होता है, ग्रेड्स पाना होता है. दिस रिजल्ट्स इन लॉपसाइडेड डेवलपमेंट. और इससे क्या होता है, लॉपसाइडेड डेवलपमेंट होता है, यानी एक तरफा. डिस्टर्ब्ड माइंड्स, नर्वस ब्रेकडाउन्स, डिप्रेशन, स्ट्रेस रिलेटेड साइकोसोमैटिक डिसऑर्डर्स एंड अदर फिजिकल एंड मेंटल प्रॉब्लम्स और ऑन द इंक्रीज. और इस तरीके के एजुकेशनल सिस्टम से क्या हो रहा है कि बच्चों के माइंड डिस्टर्ब्ड हैं, नर्वस ब्रेकडाउन हो जाता है उन्हें, वो पूरी तरह से बीमार पड़ जाते हैं ज़हनी तौर पे, डिप्रेशन में चले जाते हैं. डिप्रेशन में जाना यानी जो बच्चे होते हैं वो एकदम अलग हो जाते हैं, उदास रहते हैं, बुरे बुरे ख्यालात उनके दिमाग में आते हैं. स्ट्रेस रिलेटेड साइकोसोमैटिक डिसऑर्डर्स, और इतना स्ट्रेस लेने से जहनी बीमारियां शुरू हो जाती हैं, एंड अदर फिजिकल एंड मेंटल प्रॉब्लम्स, और भी ऐसी बीमारियां होती हैं जो आजकल हम अगर देखें तो ये बढ़ती जा रही हैं. एम्फेसिस ऑन क्रिएटिव आर्ट्स विल हेल्प यंग पीपल फाइंड कैथारसिस फॉर देयर स्ट्रेस एंड ऑल्सो गिव देम अ चांस टू शोकेस देयर टैलेंट्स. तो अगर हम ये जो हमारी रेगुलर पढ़ाई है उसके साथ साथ हम आर्ट्स पर, तख्लीकी फनों पर भी अगर जोर दें तो जो बच्चे हैं उन्हें अपने अंदर जो दबे हुए एहसासात हैं, कैथारसिस का मतलब होता है कि जो जहनी तनाव या दबाव को ख़त्म करने के लिए एहसासात को बाहर निकालने का एक तरीका, इसे कैथारसिस कहते हैं. तो ये जो है वो क्रिएटिव आर्ट्स के ज़रिए अपने स्ट्रेस को कम कर सकते हैं और इससे उन्हें अपने टैलेंट को भी दिखाने का मौका मिलता है. जैसे बहुत सारे बच्चे होते हैं जो साइंस और मैथमेटिक्स में अच्छे होते हैं लेकिन वो आर्ट्स वगैरह में भी अच्छे हो सकते हैं, तो जब वो इस तरीके की चीज़ों में हिस्सा लेते हैं तो उन्हें खुशी मिलती है. दस प्रेजेंट डे एजुकेशनिस्ट मस्ट रिविजिट टैगोर्स वर्क टू फाइंड आंसर्स टू द प्रॉब्लम्स फेस्ड. इसलिए जो आज के एजुकेशनिस्ट हैं उन्हें टैगोर के जो काम हैं उन्हें उन पर नज़र डालनी चाहिए, उन्हें सीखना चाहिए, तो शायद उन्हें जो आजकल हम प्रॉब्लम्स फेस कर रहे हैं उससे वो सोल्यूशन पाएंगे, उन्हें कुछ इन मसाइल का इलाज मिलेगा. स्कूल्स इन पर्टिकुलर एंड ह्यूमैनिटी इन जनरल हैव मच टू लर्न फ्रॉम टैगोर्स वर्क. स्कूलों को जो टैगोर ने जो एजुकेशन की दुनिया में जो काम किया था उनसे इंस्पिरेशन लेनी चाहिए, उनके काम को समझना चाहिए और अपने रोज़मर्रा की जो उनकी ज़िंदगी है स्कूल में, बच्चों की पढ़ाई में वगैरह, उसे यूज़ करना चाहिए. और ना सिर्फ स्कूलों में लेकिन हमें हमारी ज़िंदगी में भी, ह्यूमैनिटी इन जनरल यानी जो हमारी रोज़ की ज़िंदगी है
हमारी जो इंसानियत है उसे सुधारने के लिए भी हमें टैगोर के जो उनका उनका जो फलसफा था अपनी ज़िंदगी में हमें अपनाना चाहिए।